बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त पर आ रही है पुडुचेरी से। ये खबर है और खबर ये है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई है। आपको पता है कि बीते 3 दिनों से ही इस बात की काफी चर्चा हो रही थी कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, यानी बहुमत का आंकड़ा जो कि 14 है वो जादुई आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है। और इस बीच जब बीती शाम ही 2 और इस्तीफे हुए, यानी कि जो आंकड़ा था वो 11 तक आ पहुंचा। और इस बीच जो खबर अब हमारे पास आ रही है वो ये कि स्पीकर ने भी अब कह दिया है, जो कि निश्चित तौर पर इस बात पर पुष्टि करता है, इस बात को ऑफिशियल करता है कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार जो थी वो अब गिर चुकी है। यानी विपक्ष में अब जो 3 पार्टियों का वहां पर विलय अगर होता है और पूरे तरीके से नंबर्स के साथ सामने निकल कर आती है, जिसमें डीएमके है, डीएमके के साथ उसकी एक और पार्टी है और फिर एक पार्टी बीजेपी है जिसके पास वहां पर 3 सीट है, तो ऐसे में 7+4+3 का अगर ये आंकड़ा मिलता है तो 14 के जादुई आंकड़े को छुआ जा सकता है। इस बीच जो बीती शाम 2 और इस्तीफे हुए थे उनका अब तक ये सामने निकलकर हमारे पास इस वक्त पे कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या किस पार्टियों को चुनते हैं। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप किस पार्टी को चुनेंगे तो उन्होंने कहा अपनी कंस्टिट्यूएंसी जाऊंगा, अपने क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में जब जानकारी सामने निकल कर आएगी आपको बताएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, बीती रात को ही बड़ा झटका लगा था और एक विधायक थे कांग्रेस के और एक विधायक थे डीएमके के जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और इसके बाद गठबंधन वाली सरकार के लिए बहुमत साबित करना टेढ़ी खीर था एक तरह से। और अब जो है स्पीकर की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है, फ्लोर टेस्ट भी होना है, इस बारे में भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया था कि हम सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं, चाहे नेता हों, सांसद हों, विधायक हों, सबके सब फ्लोर टेस्ट के वक्त पर ही अपनी स्ट्रैटेजी दिखाएंगे। लेकिन अब ये सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या अब बीजेपी सबको साथ लेकर, क्योंकि दो बीते दिनों में 2 विधायक बीजेपी के साथ जुड़े हैं ये भी खबरें हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी इन बाकी दोनों पार्टीज को भी साथ में लेकर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी के साथ वहां पर हुआ वो भी हमने आपको बताया था। और इन सारी चीजों से इतर अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि पुडुचेरी में ये सरकार गिर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।